मौका धनतेरस का है और इस वक्त हर तरफ बाजार में रौनक है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के एक ज्वेलरी शोरूम में, और यहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी हर जगह आपको खरीदार नजर आएंगे अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक, और जो चीज़ें ज़रूरत की जिनको लग रही हैं वो खरीद रहे हैं। और बाज़ार में रौनक आज देर रात तक रहने वाली है। पटना ने कई दफ़े धनतेरस के मौके पर रिकॉर्ड बनाया है, और इस ज्वेलरी शोरूम के मैनेजर हमारे साथ हैं दीपक जी, उनसे बात करते हैं। दीपक जी, इस बार का ट्रेंड क्या लग रहा है धनतेरस के मौके पर, चूँकि सोना तो महंगा है ही, चांदी भी बहुत चमक पे है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो सागरमल परिवार की तरफ से भारतवासियों को धनतेरस और दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं। क्या इस बार बाजार में ट्रेंड क्या है, लोग क्या खरीद रहे हैं ज्यादा? आप सर, अच्छा ट्रेंड है, अभी तो लोग खरीद भी रहे हैं, गोल्ड भी ले रहे हैं, सिल्वर भी ले रहे हैं, और ऑर्नामेंट्स तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं सर, अभी परचेजिंग हो रहा है सर। सॉलिड गोल्ड में भी क्या इन्वेस्टमेंट इस बार लोगों का फोकस है क्या? 100% सर, कॉइन्स है, इस सब पे लोग फोकस दे रहे हैं कि हम लोग फ्यूचर के लिए उसको परचेजिंग कर लिया जाए। इस बार एक नई चीज हम लोग देख रहे हैं, आप लोग जो गोल्ड के छोटे साइज में क्वाइंस हैं लो बजट में आप लोगों ने लॉन्च किया है, तो ये मतलब क्यों बाजार में ये नए तरह का चीज क्यों इस बार? सर, इसको करने का कारण ये था कि आधा ग्राम का कॉइन है कोई एक, कस्टमर के डिमांड के अनुसार पहले क्या था 5 ग्राम 10 ग्राम ऐसे कॉइन था, कस्टमर नहीं परचेज चाहेंगे। आप थोड़ा दिखाइए हमको जो क्वाइंस हैं यहाँ पे, ये हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम से कहेंगे एक बार थोड़ा सा वो भी दिखाएं। इस बार जो बाजार में छोटे साइज के गोल्ड क्वाइंस लॉन्च किए गए हैं वो क्यों और किस सेक्शन के लोगों को टारगेट करके, जो लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जिनकी कैपेसिटी नहीं है उनको ध्यान में रख करके इस बार छोटे साइज के गोल्ड क्वाइंस जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, ये क्या मतलब इसका रिस्पांस कैसा है इस वक्त? बहुत अच्छा रिस्पांस है सर, बहुत अच्छा है। कुछ नहीं भी लेना चाह रहे हैं तो आधा ग्राम पक्का परचेजिंग करेंगे कस्टमर। ये आधे ग्राम की कीमत कितनी आ जा रही है? आधे ग्राम की कीमत आ जाएगी सर आपकी आज 4470 रुपए सर, 4470 रुपए सर। ये क्या है? ये हाफ ग्राम है, कॉइन है सर, ये भी हाफ ग्राम है सर, हाफ ग्राम में जी, 999। ये 999 जी। तो ये नई चीजें हैं जो इस बार आप लोग बाजार में लेकर के इंट्रोड्यूस करके आए हैं, और देखिए हर जगह हम देख रहे हैं जो महिलाएं हैं जिनकी ज्वेलरी की खरीदारी जो है वो बहुत खास होती है। देखिए यहाँ भी ज्वेलरी की खरीदारी हो रही है और धनतेरस के मौके का इंतजार है। मैम यहाँ खरीद रही है, ज्वेलरी खरीदने के लिए आई है इस बार धनतेरस के मौके, क्या खरीदारी हो रही है इस बार? इयररिंग्स ले रही है। तो पहले से तय कर लिया था कि मतलब आज अचानक से प्रोग्राम बनाया? नहीं, आज अचानक से आ गए। गोल्ड पे ही ज्यादा फोकस है? गोल्ड पे ही फोकस है। चलिए, गोल्ड पे ही ज्यादा फोकस है, इयर रिंग्स ले रही हैं, अपनी अपनी पसंद है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, और जो खरीदारी करवाने आए हैं जिनके उनसे भी बात करते हैं कैसा इस बार गोल्ड का रिस्पांस। तो बहुत महंगा लग रहा है, सोना तो काफी ऊपर, बहुत दाम बढ़ गया इस बार। तो मैडम ने क्या कहा कि इयर रिंग्स लेना है? ले लेंगी पसंद हो रहा है। चलिए, ये मुस्कुराहट है और यही त्योहार की खूबसूरती है जो यहाँ एक कपल के जरिए हमने समझने की कोशिश की, और लगातार जो खरीदारी आज देर रात तक जारी रहेगी पटना के बाजार में गजब की रौनक इस वक्त देखने को मिल रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।